तो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हम लोग देखा था कि ये सब जो बटन है, इस बटन के बारे में हम लोगों ने जानकारी ली है। जो नेक्स्ट क्लास जो शुरू होगा, ये होगा एक्चुअली इन तीनों बटन को लेके। एक्चुअली ये तीनों बटन जो है, ये बटन का काम क्या है और मतलब अब मैं आपका एडिटिंग में तीनों बटन कैसे रिएक्ट करेगा, कैसे आपको फैसिलिटीज देंगे, इसके बारे में मैं बताऊँगा। तो चलिए इसको देखते हैं। ये स्विच जो है, ऑटोमेशन फॉलोज एडिट, ये क्या करता है आपको मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पे ये जो वेब फाइल है, इसको अगर जूम करें, इसमें थोड़ा सा ऑटोमेशन करेंगे वॉल्यूम पे। जैसे मान लीजिए इसका हम और थोड़ा सा टाइट ग्राफ्स देते हैं, और यहाँ पे जो लाइन है, ट्रायंगल लाइन लिया है मैं, यहाँ पे एक ट्रायंगल थोड़ा सा दे रहा हूँ, ट्रायंगल इफेक्ट वॉल्यूम में। ठीक है, आप अभी देख पा रहे हैं वॉल्यूम में ट्रायंगल इफेक्ट दे दिया है मैंने, मतलब वॉल्यूम अप एंड डाउन होगा, बहुत फास्ट ही होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसका जो ग्रिड मोड रखा है 1/16 नोट में रखा है, मतलब एक बार में 16 बार वो अप एंड डाउन मतलब करेगा। तो चलिए सुनते हैं इसको, देख रहे हैं, मतलब इसको अगर हम मिक्स विंडो में देखें, ये रिदम को देखिए कितना फास्ट अप एंड डाउन हो रहा है, राइट। तो ये तो एडिट आपने कर लिया, राइट। करने के बाद मान लीजिए इसको अगर आपको किसी और एक जगह में बिठाना है, यहाँ पे बिठाना है, तो क्या करते हैं हम लोग, इसको सिलेक्ट करते हैं, कॉपी करते हैं, सी दबाइए, इसको कॉपी कीजिए और डायरेक्ट यहाँ पे कर्सर लाइए। जैसे हम लोग को पता है कंट्रोल सी मारने से कॉपी होता है, कंट्रोल वी मारने से पेस्ट होता है, लेकिन प्रोटूल्स में सेम वही होता है, लेकिन सिर्फ सी दबाने से कॉपी हो जाएगा जिसको आप सिलेक्ट करेंगे। और कर्सर जहाँ पे रखे हैं, जो ट्रैक सिलेक्टेड है उसके ऊपर जैसे आप भी दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। ये टूल्स का एक खूबियत है। यहाँ पे जो आपने एडिट किया था, यहाँ पे इसका वॉल्यूम चेक कीजिए, इसका वॉल्यूम चेक कीजिए, देखिए यहाँ पे वॉल्यूम जो है, ये वॉल्यूम के साथ तो यहाँ पे है, लेकिन वॉल्यूम के साथ ये, लेकिन वो वाला ऑडियो ये कॉपी नहीं हुआ है, सिर्फ ऑडियो कॉपी हुआ है, राइट। क्यों ऐसा हुआ? ये जो ऑटोमेशन फॉलोज एडिट जो बटन है, ये बाईपास मोड में था, तो ऑटोमेशन फॉलोज एडिट जो मोड है, ये बाईपास मोड में है, मतलब जो ऑरेंज कलर का है। जब भी आप इसको ब्लू कर देंगे, मतलब इसको ऑन कर देंगे, तब क्या होगा, देखिए मैं इसको अभी ओएफएम में जाता हूँ, और ये जो ऑडियो है, मतलब जो चांक है, इसको मैं सी दबा दिया और यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ। अभी इसको ऑन करते हुए मैं इसको कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट किया। अब देखिए इसका अंदर जो जितने सारे हम ऑटोमेशन किए थे या जो भी एडिट करेंगे, मतलब हम लोग किए थे, फिलहाल तो वहाँ पे एक ऑटोमेशन वॉल्यूम के ऊपर किए थे, वो वॉल्यूम के ऑटोमेशन के साथ साथ यहाँ पे भी कॉपी हो गया है। तो इसका मतलब क्या है, जब ये ब्लू रहेगा, मतलब ये ऑन है, तब कोई भी एक ऑडियो पे जो आपने वहाँ पे एडिटिंग किया है, उसका ऑटोमेशन में जो एडिटिंग किया है आपने, वही एडिटिंग ब्रेक, इसे कहते हैं ब्रेक पॉइंट। आप माइंड कीजिएगा, यहाँ से एक ब्रेक पॉइंट है, ये एक ब्रेक पॉइंट है, मतलब जितने सारे ये डॉट आप देख रहे हैं नीचे ऊपर, हाँ जितने सारे डॉट देख रहे हैं, इसको कहते हैं ब्रेक पॉइंट। ब्रेक पॉइंट के साथ जितने सारे ऑटोमेशन है, सब ऑटोमेशन कॉपी हो गए यहाँ पे। जब ये आप क्लिक करके बाईपास कर देंगे, उस टाइम लेकिन आप चाहे इसको जितना भी कॉपी करें, सीधे वहाँ से कॉपी होता है, आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं भी दबा के। और एक तरीका है यहाँ पे पेस्ट करने का, जैसे कि आप इसको सिलेक्ट कीजिए, ऑल्ट दबाइए और माउस से हैंड टूल दबाते हुए इसको खिसक के इधर लेके जाइए। अभी देखिए इसमें जो ऑटोमेशन था, ये ऑटोमेशन यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं हुआ है, इसके साथ से ऑडियो आया है, ऑटोमेशन कॉपी नहीं हुआ। देखिए यहाँ ऑटोमेशन था, यहाँ पे ऑटोमेशन नहीं है। तो इस तरह से आप ऑटोमेशन को क्या कर सकते हैं, बाईपास कर सकते हैं। कभी कभार गलती से आपको ये हो सकता है कि आप ऑटोमेशन को ऑन कर रखे हैं, लेकिन आप जो यहाँ पे किए थे सेम ऑटोमेशन, अगर वहाँ पे आप किसी जगह में आप ऑडियो को लगाने गया, तो ऑटोमेटिकली आपका ऑटोमेशन वहाँ पे भी कॉपी हो गया। तो इसमें क्या हो सकता है ना, इसमें आपका मिक्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, गलती हो सकता है। तो ये था जो ऑटोमेशन फॉलोज एडिट, राइट। ये जो टूल किट जो है, बेसिकली हम लोग क्या कहेंगे कि ऑटोमेशन फॉलोज एडिट जो टूल है, इसको आप बाईपास रखें तो अच्छा है। उसको बाईपास रखने से क्या होगा,
ये कोई भी एक ऑटोमेशन जहाँ पे आपने किया है उसको कॉपी नहीं करेगा, क्लियर, उसको कॉपी नहीं करेगा, बिंदास आपको जहाँ जहाँ पे आप अपने उसको पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। अगर आप ऑटोमेशन के साथ कॉपी करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई डिले या कोई रिवर्ब का आपने ऑटोमेशन किया है, सेम चीज़ आपको यहाँ पे भी चाहिए, तो इसको ऑन करते हुए आप लेके जाइए। चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्लास में क्या है।